आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान हम सभी के लिए उस पवित्र ग्रंथ की तरह है जो हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर आदर पूर्वक जीने एवं विचारों को स्वतंत्र रखने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान पर हमें गर्व है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर की अपनी एक खास अहमियत है। जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, 1946 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और इसकी रचना में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। साथियों, संविधान दिवस सिर्फ देश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों का पर्व नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जनता का पर्व है। देश के हर नागरिक के लिए यह गर्व का दिन है। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग इस उत्सव को पूरे जोश के साथ मनाएं। देश को आजाद होने के बाद हर भारतीय नागरिक संविधान द्वारा उसे दिए गए मौलिक अधिकारों का आनंद लेते आ रहा है, लेकिन हमें उसके साथ साथ देश के कानून का पालन करना और संविधान के सिद्धांतों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। साथियों, संविधान दिवस पर बाबा साहब को याद करना भी बहुत जरूरी है। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है, मैं जिंदा हूं। बस संविधान को मत मरने देना। तुम्हारे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं।